इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता है। हमारे में कटन ने जुआ से बोला था, भाई अभी मेरा फॉलोवर बन जा, लेकिन आगे चल के तू मेरे से बड़ा हो गया, मैं इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, मैं तेरा फॉलोवर यहां पे बन जाऊंगा, तुझे मंजूर है? यानी ये वो सोचता कि आगे चल के तो शायद इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैं बनी जाऊंगा, इसलिए कहता हूं कि ठीक है भाई मैं तैयार हूं, लेकिन देखना आगे चल के मैं बनूंगा ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तभी तुझे मेरा फॉलोवर बनना पड़ेगा, ये कहता हूं बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी मुझे तेरे पे विश्वास यहां पे नहीं हो रहा, तुझे शपथ खानी पड़ेगी, ये कहता हूं मुझे तेरे पे विश्वास नहीं है, तू शपथ खा ले। शयुन कहता भाई मैं तो शपथ खाने का तैयार, मैं शपथ खाता हूं कि अगर ये मुझसे स्ट्रॉन्ग बन गया मैं इसका फॉलोवर यहां पे बन जाऊंगा। वो कहता हूं कि ठीक है मैं भी शपथ खाने को तैयार हूं कि मैं इनका फॉलोवर बनने को तैयार हूं, अगर इनसे बड़ा बना तो जाके ये मेरे फॉलोवर बनेंगे, नहीं तो जिंदगी और इनका फॉलोवर यहां पे रहूंगा। हां तो दोनों शपथ यहां पे खा लेते हैं। वो तो मन ही मन सोच लिया था कि यहां पे देखना एक टाइम आएगा जब मैं ज्यादा बड़ा बनूंगा, मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहां पे बनूंगा, तभी इसको अपना फॉलोवर बनाऊंगा, तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन यहां पर आता है कि वेल मतलब शुक्रिया, मतलब आपको बधाई हो कि आपने ना एक बंदे को अपना फॉलोवर बना लिया, तो आपको 20 यहां पे एपिफेनी पॉइंट यहां पे मिलता है, ये भी खुशी है, यही मिशन यहां पे था, इसलिए तो मैंने इसको अपना ये फॉलोवर यहां पे बना लिया, अभी मजा आएगा ना वीडियो। फिर उसको कह दे तू आराम से बैठ जा, तुझे जो भी चोट यहां पे लगा ना उस चोट को ठीक कर ले, तो चोट ठीक करने के लिए बैठ जाता है, ये कैलकुलेट करने लग जाता है कि यहां पे आने के बाद मेरा क्या-क्या फायदा हो गया, एक कमाल का बंदा मेरा फॉलोवर यहां पे बन गया, वो जो पेड़ यहां पे था वो पेड़ भी मुझे यहां पे मिल गया, इसके अलावा मिशन करके मैं टोटल 192 एपिफेनी भी यहां पे कमा लिए, और बाद में मौका देकर ना उस ली चेंग को भी और साथ में जिएंगे ना उन दोनों को भी जहां से यहां पे मार डालूंगा, अपना काम तो पूरा हो जाएगा। उतने में पीछे से जो टांग यून है ना, टांग यून भी यहां पे आ जाती है, वो कहती है हेलो सीनियर, तो सामने से ये जुओ भी देखता कि अरे यार सामने से ये लड़की, ये तो कोई बेकार सी लड़की लगती है, ये अपने साथ कोई बेकार सी लड़की लेके भी घूम रहा है, सामने से उधर सा चौकी पड़ के अरे यार ये तो जुओ है ना, ये कहता डोंट वरी यार अपना बंदा यहां पर है, मेरा फॉलोवर है, हमको कुछ भी नहीं करेगा। वो जाती है चौकिया, अरे यार दीवान बॉडी वाला बंदा है, और जबकि इसके पास कोई ऐसी दीवान बॉडी नहीं थी तो भी इसका फॉलोवर यहां पे बन गया, यार मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। सामने से कहती भी ये कह रही है सीनियर तुलसी तो ग्रेट हो भाई, यू आर गॉड लाइक, ये भी कहता नहीं है कुछ ज्यादा तारीफ यहाँ पे करो, इसको चोटी करने दो, उसके बाद ना आगे एडवेंचर करने के लिए हम तीनों साथ में निकल जाएंगे। उसको यहाँ पे शीर्ष उधर बाहर साइड यहाँ पे बंदे लोग ना जिनको अगर बाहर यहाँ पे जाना वो बाहर जा भी सकते, तो ढेर सारे बंदे ना बाहर निकल चुके थे, उनके मास्टर लोग उनके लीडर लोग ना इंतजार कर रहे थे, कहते देखो भाई मेरा डिसाइपल आ गया, मेरा वो भी आ गया, मेरा ये भी आ गया, वहीं पे जो सुप्रीम लीडर यहाँ पे था बिगिनिंग सेट का और अपने डीटीएन वो भी वहीं पे थे, तो जो सुप्रीम लीडर अपने डीटीएन से कहता भाई क्या हुआ बहुत सारे बंदों की खबर यहाँ पर आई है, लेकिन तुम्हारा जो डिसाइपल यहाँ पे था उसके बारे में तो कोई खबर यहाँ पे नहीं आई है, कहीं वो मरवर तो नहीं गया? ये कहता मरवर गया, वो बिल्कुल भी नहीं मरा, वो तुम्हारे बंदों को मारेगा, जैसे वापस लौटेगा ना देखना अपने साथ कमाल की अपॉर्चुनिटी, मालूम नहीं क्या क्या कमाल की चीजें लेकर लौटेगा, ये भी कहता कमाल कमाल की चीजें लेकर लौटेगा। अरे कद्दू मेरा, तुम लोग बस उसको लाइट में पील देकर ना कुछ समय के लिए स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनाना चाहते हो, वो कोई रियल जीनियस नहीं है, और इसके अंदर ढेर सारे रियल रियल जीनियस यहाँ पे गए, उनके सामने घंटा भी टिक नहीं पाएगा। डीटीएन जैसे सुनता भाई इलाइटमेंट पिल नहीं हमने तो नहीं दिया था, यहाँ नहीं इसको गलत फहमी हो रही है, यार छोड़ो भाई रहने तो इसको गलत फहमी के अंदर ही, अपने के तो फायदा वायदा होगा ना। अब इसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता कुछ समय बाद, यहाँ पे कुछ लोग कहते भाई तुमको मालूम भी है बिगनिंग सेट के कितने सारे डिसाइपल यहाँ पे मारे गए, जैसे सुपी मेल हिल जाता बिगनिंग सेट, भाई मेरा सेट यहाँ पर है यार कौन मेरे डिसाइपल मारे गए, सब लोग आपस में बातचीत कर रहे थे भाई, और उसके अंदर भाई जो क्या बोलते फूयू नाम का लौंडा यहाँ पे था, उसके अलावा जो लड़का लड़की यहाँ पे थे वो सब यहाँ पे मारे गए, किसी मिस्टीरियस बंदे ने एक एक करके सबको यहाँ पे मार डाला, यह दूर से देख के तो मेरी तो फट गई और डर के मारे मैं बाहर आ गया। यह सुप्रीम लीडर जाता कहता क्या ऐसा यहाँ पर हुआ था, बोलो किसने कब कैसे मारा यार मुझे पूरा बताओ। तो जिस लड़के से पूछ रहा था ना लड़का जाता डर के, अरे बाप रे ये तो मुझे धमका रहा है, मास्टर मुझे बचा लो, उसका मास्टर आ गया था, वो कहता डोंट वरी डरो मत यार, वान इनका नाम है बिगनिंग सेट का सुप्रीम लीडर यहाँ पर है, इनको बस पूछना अपने डिसाइपल के बारे में, डरो मत। वो भी शांत होता कहते यस अपने डिसाइपल की मौत की खबर सुन के मुझे ऐसा झटका लग गया था, बोलो एग्जैक्टली अंदर क्या हुआ था, तुमने क्या क्या देखा था? ये कहता कि ओके ठीक है मैं बताता हूँ, हाँ तो मैं जैसे गया मैं अपना घूम रहा था यहाँ वहाँ एडवेंचर यहाँ पे कर रहा था, उतने में आपके सेट के जो भी डिसाइपल है ना मुझे उनके बारे में ऐसा एहसास हुआ, मैं गया सोचे जाके मिल लेता हूँ, तो वो लोग ना बिजी थे, वो लोग शायद किसी बंदे का पीछा कर रहे थे, और जिसका पीछा कर रहे थे उसी बंदे ने शायद जान निकाल लिया। तो अपने डीटीएनए में देख खुश किया भी अपने डिसाइपल लोग तो बड़ा उछल रहा था भाई ये कर देंगे वो कर देंगे, आगे ना मौत की खबर बाजू में ये थी भाई, वो जो टांग यून यहाँ पे थी ना टांग यून की मास्टर जो कि डीटीएनए की काफी अच्छी दोस्त भी यहाँ पे लगती है, वो भी यहाँ पे कहती कि हाँ यार ये बड़ा मतलब समझ भी रहे हो, मुझे तो जान के बड़ी खुशी हुई। वो लड़का जो खबर सुना रहा था वो कहता कि बाद में जब सारे आपके डिसाइपल मारे गए मैंने सबकी लाशें यहाँ पे कलेक्ट कर ली, तो अपने स्पेस रिंग के अंदर से सबकी लाशें बाहर यहाँ पे निकालता है, जिसको देख कर ना और भी ज्यादा सब भड़क जाता है कि अरे यार मेरे सारे डिसाइपल ये तो वही सब यार जिनकी मौत यहाँ पर हो गई, किसने मारा भाई, एक दो नहीं बल्कि नौ नौ है, नौ को एक ही बंदा मार सकता है, कोई जीनियस ही होगा बड़े सेठ का, यानी तुम सबके बंदे में से किसी एक बंदे ने मार डाला ना। वो लोग कहते नहीं यार हमारे बीच आपके बीच में शुरू में तो सौदा हुआ था कि हमारे बंदे आपके बंदे की जान नहीं निकालेंगे, हमारे बंदे ने ये नहीं किया।
किया है, किसी और ही ने किया होगा। तो ये भी कहता है डोंट वरी, ये सब वैसे भी हमारे कमजोर बंदे थे, छोटे बंदे थे। मेन जो हमारा बंदा भाई ली चेंग, वो अभी भी अंदर यहाँ पर, वो पक्के इनकी मौत का बदला यहाँ पे ले लेगा। ली चेंग वही स्पेस और टाइम की बॉडी वाला बंदा, उसको यहाँ पे शेयर शुद्ध वापस अंदर सर, यहाँ पे हमारे मेक कटर एडवेंचर किए जा रहे। वही हमारा मेक कटर शेयन कहता है कि भाई 6 दिन का टाइम यहाँ पे गुजर गया, बाद में जो पत्ते जैसा या फिर वो जो भी बोधी ट्री है ना उसके जैसे कोई कमाल का आइटम मिल ही नहीं रहा। तो ये कहता भी जुओ कि अभी यार वो ट्रेसर आइटम है, ऐसा वैसा आइटम नहीं है जो तुझे कहीं पे भी पड़े हुए दिख जाए। उतने मेरे सामने से ध्यान जाता है एक फ्रूट की ओर, ये भी एक कमाल का ही आइटम यहाँ पे था। ये भी कहता हूँ माई गॉड ये फूड के बारे में सुना है, ये जो फूड है ना तुम्हारी उम्र यहाँ पे बढ़ा देता है। तो सामने से ये भी कहता है जुओ कि अरे यार ये तो बेकार आइटम हो गया ना, नहीं मुझे लगा सच्ची में कोई कमाल का मिला होगा। क्या ना भाई जैसे हम लेवल अपना करेंगे 1000 साल हमारी उम्र वैसी बढ़ जाएगी, जो 1000 साल उम्र बढ़ी जाएगी तो ये 2-4 साल बढ़ा के क्या करेंगे। ये कहता भाई तेरे लिए बड़ा कमाल करना होगा लेकिन मेरे मास्टर के लिए ये बहुत ही यूज में है, इसलिए भाई मैं तो रख लूंगा। इतना बोल के जो भी फूड था ना वो सब रख लेता है और बाद में ना एक गुफा के बाहर पहुंचता है और समझ जाता है ये गुफा ड्रैगन, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे ड्रैगन भी रहते, ये पक्का ड्रैगन की गुफा होगी। हाँ तो सच्ची में अंदर से 2 ड्रैगन बाहर आते, एक गोल्डन कलर का और एक ब्लैक कलर का। ये लोग भी देखते हैं हाँ सच्ची में ड्रैगन यहाँ पर है। वो कहता है जो सुनो भाई 2 ड्रैगन है, एक मेरा और एक तेरा, बोलो तुम्हारा क्या विचार है। तो हमारा शायु ने ना वो टांग यू से कहता है टांग यू तुम दूर हटो, तुम फाइट नहीं कर पाओगी, हम दोनों मिलकर फाइट करेंगे। वो भी कहते हैं गुड, ये कहते ड्रैगन तो यहाँ पर है सच्ची में है ना रियल ड्रैगन। ये बताता कि रियल ड्रैगन यहाँ पर है लेकिन अभी वो दोनों ड्रैगन है ना समझो बच्चे यहाँ पर है, जो मेन पावरफुल रियल ड्रैगन है तभी कहलाएंगे जब ये बड़े हो जाएंगे। तो बड़े हम पाल पोस के बड़ा यहाँ पे कर देंगे, टेंशन ना लो, चलो अटैक। शेयन कहते हो के ठीक है अटैक, ये जो गोल्डन है भाई गोल्डन वाला मेरा, ब्लैक ही तू रख लेना। तो अपने शेयन हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, ड्रैगन से कहता है चूचा मेरा गुलाम बन जा मैं तुझे नहीं मारूंगा, लेकिन ड्रैगन ऑफकोर्स नहीं बनेगा। तो ये अटैक करता है और अटैक करने महसूस करता है जो ड्रैगन यहाँ पर, उससे ड्रैगन के अंदर भी 8 लाख जितना पावर यहाँ पर है। ये जो लड़का यहाँ पे था ये ब्लैक के साथ ना छोड़ के ड्रैगन के साथ यानी गोल्डन के साथ यहाँ पे फट कर रहा था और ये भी कहता है यस लगभग 8 लाख के बराबर है। ये कहता है शेयन यही तो बढ़िया भाई 8 लाख है मेरा भी लगभग बराबर यहाँ पर है, मैं 8.5 लाख है शायद। तो ऐसे में भाई मेरे को इतने कमाल का बंदा चाहिए जो कि मेरा पेट यहाँ पे बने। तो सामने से अटैक किया जा रहा है, अटैक करते करते कहता है कि आई नो तू बड़ा कमाल का ड्रैगन यहाँ पर है लेकिन तू मुझसे एक कदम यहाँ पे पीछे, हार यहाँ पे मान जा और तो ही तेरे लिए भलाई यहाँ पे होगी, अगर हार यहाँ पे नहीं मानेगा तेरे अंजाम यहाँ पे बुरा होगा। तो ड्रैगन यहाँ पे हार नहीं मानता, वो फाइट वाइट यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये भी फाइट करता है, तुझे क्या लगा ड्रैगन के भाई तेरे अंदर खाली दम यहाँ पर है, मेरे में तो जैसे दम यहाँ पे नहीं है, मेरे में बहुत ही दम है, तुझे 2 ही मौका देता हूँ, या तो सरेंडर कर मेरा फॉलोअर यहाँ पे बन जा मेरा माउंट बन जा नहीं तो सामने से तू मरेगा। ड्रैगन भी लाइक भाई हम तो फाइट यहाँ पे करेंगे ही, हाँ तो ये सामने से फाइट वाइट यहाँ पे करता रहता है और ड्रैगन भी फाइट किया जा रहा है। ये भी कहता लगता है तू सामने से तैयार नहीं है तो ले बेटे मर, इतना बोलकर जो से अटैक करता है और ऑलमोस्ट समझो मर ही चुका है। ये भी कहता भाई सोचा तुझे अपना माउंट बनाऊंगा लेकिन तू तो तैयार ही नहीं है, तूने मरने का यहाँ पे डिसाइड किया, पीछे से ड्रैगन अभी पूरा मरा नहीं था, एक और अटैक करने के लिए खड़ा होता है तो ये फन अटैक करके उसकी जान निकाल लेता है। तो ये भी कहता है जुओ के साले भाई ड्रैगन कोई ऐसा वैसा जानवर नहीं होता, स्पेशल जानवर होता है और तूने उसको मरवा डाला, बस उसको ऐसे यहाँ पे मरवा डाला यार, शर्म कर शर्म कर शर्म कर। ये भी कहते क्या करूँ भाई, वो सरेंडर करने को मैंने बोला किया ही नहीं है, वो ऐसा है ना कि भाई मर जाऊँगा लेकिन किसी को सरेंडर यहाँ पे नहीं करूँगा तो मैंने ही मार डाला और क्या ही कर सकते हैं। ये कहते जो ड्रैगन होते हैं ना ड्रैगन के बॉडी में बड़ी कमाल कमाल की एनर्जी और पावर होती है, वो अगर हमने ऑब्टेन किया तो हमारी पावर बढ़ सकती है, इसकी डेड बॉडी से भी हम अपनी फायदा करवा सकते हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। चाइना वाले तुमको क्या लगता है डेड बॉडी के साथ क्या करेंगे? तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।